बाजारों में अब त्योहार की रौनक बढ़ती जा रही है। होली के त्योहार पर जहां एक ओर लोग रंगों में सराबोर होने की तैयारी में हैं, वहीं इस मौके का फायदा उठाने के लिए नकली माल बेचने वाले भी सक्रिय हो गए हैं, जो थोड़े से लालच में लोगों की जान से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकते और नकली माल बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आज हम विशेष में बात करेंगे ऐसे ही नकली माल बेचने वालों की, उनसे निपटने की तैयारी की और प्रशासन के रडार की। त्योहार पर व्यापारियों ने भी इस बार ग्राहकों से अपील की है कि वह भी सावधानी बरतते हुए ही सामान खरीदें और नकली और असली में पहचान करने के बाद ही सामान को खरीदें, जिससे उनके त्योहार के रंग में भंग ना पड़े। फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही बाजारों में मावे की खपत बढ़ने लगती है। ऐसे में मावे की डिमांड पूरी करने के लिए मिलावटखोर नकली मावा तैयार करने लगते हैं। नकली मावा इतना खतरनाक होता है कि यह लोगों के लीवर और किडनी के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी अपना असर डाल सकता है। अब होली का फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, कहीं यह मिठाई खाते ही आपकी सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसका जायजा लेने के लिए सी न्यूज की टीम बाजार पहुंची तो दुकानदारों ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। ऐसा है कि कुछ खोया बाजार से, जहाँ से हम लोग लोई लेते हैं डेली, वो हमारी व्यवस्था पूरी करता है। उस व्यवस्था करने के लिए वो शुद्ध खोया ही हमारी दुकान पर देगा, क्योंकि उसे पूरे साल हमसे काम करना है, आगे भी सब कुछ काम करना हमसे ही करना है। हमारे यहाँ कोई खराब चीज़ देखे उसे हमारे साथ अपने दुकान व्यवहार को और व्यापार को खराब नहीं करना है। नहीं वो तो आप हाथ में रख के देख लीजिए, घिस लीजिए, आपके ऊपर घी आ जाएगा। पर लेकिन आजकल तो बड़ी बड़ी प्रयोगशाला आ गई है, जिसको हम भी नहीं झेल पा रहे हैं आजकल। उसके अंदर रिफाइंड उस तरह से मिला मिक्स करके ला रहे हैं, तो हम भी नहीं पता कर पाते। पर लेकिन हम उनसे खोया खरीदते हैं जो शुद्धता हमें देते हैं। जी पे मीठा तो होना चाहिए, हाँ खड़खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़ा हुआ खड़ी खड़िया टाइप का तो ख़राब खोया है। ऐसा है कि मिलावट का मावा जो नकली में आता है तो हमारे फूड विभाग जो है उसमें छापे डालें, जगह जगह कार्रवाई हो, तो इससे व्यापारी जो है उसके सुधार में आएगा। क्योंकि हमारी जनता में मद्दे की जो है की तरफ ग्राहक भागता है। अगर मार्केट में अच्छा खोआ आएगा तो अच्छे भाव से बिकेगा और खोए का स्वाद खाने से मालूम हो जाता है। क्योंकि हमारी सनातनियों में और हमारी परंपरा के हिसाब से होली पे की बिक्री अच्छी बढ़ जाती है। आम आदमी स्वाद से मालूम होगा, वैसे तो लेब इसकी है, मगर यह आम आदमी स्वाद से मालूम करेगा और सस्ते की तरफ न भाज के महंगी तरफ से भाजना चाहिए। स्वाद अच्छा होना चाहिए, असली खोए में बिना चीनी मिलाए हुए मिठास आएगी। चिकनाहट के लिए तो और चिकनाई डाल देते हैं, पर असली चिकनाई देसी घी की होती है तो उसमें जो स्वाद अपने आप जी बताती है। इन दुकानदारों का साफ कहना था कि जब भी त्योहारी सीजन शुरू होता है तो मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ग्राहक अपनी ही समझदारी से मिठाइयों की खरीदारी करें और पुरानी नामचीन दुकानों से ही मिठाई, खोआ और अन्य सामानों को पड़ताल कर खरीदें। रूपेश पटेल, सी न्यूज। होली की खुमारी बाजारों में दिखने लगी है। इस खुमारी का नाजायज फायदा उठाने के लिए भी कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं, जिन पर खाद्य विभाग नकेल कसने में जुटा हुआ है। जी हां, बात कर रहे हैं त्योहारों के बहाने मुनाफे के लालच में नकली माल बेचने वाले मिलावट खोरों की। त्योहारी सीजन पर फिर वही कहानी, क्योंकि त्योहार पर होती है मिलावट खोरों की मनमानी। कहीं खोआ वाली बर्फी खतरनाक तो नहीं है, कहीं ऐसी मिठाई खाकर आप कुछ खोने तो नहीं जा रहे हैं। ऐसे मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों से सैंपल लेना शुरू कर दिया है। वहीं मावा मंडी के कारोबारी भी बाजार में मिलावट खोरी रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। होली का त्योहार रंग गुलाल और मिठास का त्योहार होता है। यह त्योहार गुजिया की मिठास के बिना अधूरा होता है, लेकिन होली के त्योहार पर मावे की मांग सामान्य दिनों की तुलना में
30-50% बढ़ जाती है। ऐसे में मांग की पूर्ति करना आसान नहीं होता। यही कारण होता है कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में खोआ नहीं बल्कि खोआ के नाम पर आपको केमिकल खिलाया जा सकता है। रूपेश पटेल, सी न्यूज, आगरा। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।